संजू, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या हुआ? सुना तूने? देखा, अंदर से आवाजें आ रही है, इसका मतलब अभी तक सोई नहीं है। हाँ, अगर नीति दी ने दरवाजा खोल दिया तो आज सारे राज खुल जाने हैं। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? हद है। ये तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बाहर कोई आया है, दरवाजा खटखटा रहा है और तुम खड़े हो। नीति रुको ना, वो कमाल करते हो, कोई खटखटा रहा है और तुम रुको, बाहर कोई आया है और तुम। ताई जी अब चलो तो सही। ओहो, की हो गया बबली, तुम मुझे ऐसे खींच कर क्यों लेकर जा रही है? ताई जी आप बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे सब पता है, तुझे अच्छा नहीं लग रहा ना कि मैं वहाँ परिणीत के साथ बैठकर बातें करूंगी तुझसे? नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता है आप मुझसे ज्यादा दी से प्यार करते हो। अब लेकिन अब दी उस कमरे में है ही नहीं, तो आप वहाँ जाके क्या करोगे? परिणीत अपने कमरे में नहीं है? नहीं। तो फिर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो गया? नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है वो। तो फिर कैसी बात है बता मुझे। दी वहाँ नहीं है, दी गेस्ट रूम में बैठी हुई है। गेस्ट रूम में? वहाँ क्या कर रही है? आप चलो ना, आप खुद पूछ लो दी से। चलो चलो चलो। हाँ चल चल। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो नॉक किसने किया? तुम पागल हो क्या? बीजी थी बाहर। क्या? हाँ। तो अभी कहाँ गई बीजी? अरे मैंने डोर नहीं खोला तो चली गई होंगी ना, इमेजिन अगर देख लेती तो। इतना ओवर स्मार्ट क्यों बनती हो? आई एम सो सॉरी, बच गए। सॉरी संजू। हम तुम एक कमरे में बंद हो और बीजी आ जाए तो क्या हो? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो? क्या हो? तुम्हें डंडे पड़े जाए। कमाल है यार, अपने पति को डंडे पड़वाने पड़ी हुई है। अच्छा जी डंडे पड़वाओगी तुम मुझे? है संजू हटो यार, प्लीज मुझे छोड़ो। देखो मेरा रोमांस का बिल्कुल भी मूड नहीं। कब होता है तुम्हारा रोमांस का मूड? अरे चलो फटाफट से गुड नाइट किस, तो फिर सोते हैं। नहीं ना, मैंने कहा ना मेरा मूड आगे ही बड़ा खराब है, इसलिए प्लीज। यार तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे उतार रही हो, राजीव का गुस्सा मुझ पे उतार रही हो ना? ठीक है, याद रखूंगा मैं ये चीज। सो जाओ, गुड नाइट। राजीव का नहीं, परी का। और हाँ, उसका भी जो तुम मुझे हमेशा ज्ञान देते रहते हो ना कि दूसरों के मैटर्स में टांग मत अड़ाओ, उसके लिए भी। तो मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, एक प्यारी सी किस तो फिर सोते हैं। मुझे कुछ नहीं करना। तो क्या करना है तुम्हें? खुद सोचो। लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नदी का प्यार। नहीं। हाँ? मेरे पास तो वो बल्क में है, जिसे चाहिए ना मुझसे आके ले जाए। अच्छा जी, किस दिन कोई आके ले गई ना तब पता चलेगा। अच्छा कुछ और सोचो। और लॉन्ग ड्राइव इन रोमांस। कम ऑन यार संजू, इतना थकने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है? और जनाब के पैरों में तो बड़ा दर्द हो रहा था, मसाज करानी थी। अच्छा तो ठीक है ना, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। अच्छा देखो, अब तुम्हारे पास लास्ट चांस है, सोचो खुद। क्या हो सकता है यार, लड़कियों को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? हाँ गॉसिपिंग, लड़कियों की सबसे फेवरेट हॉबी बातें करना। लेकिन बट मेरा बातें करने का ना कोई मूड नहीं, मैं सोने लगा हूँ। सारी बातें तुम कर रहे हो, चबड़ 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 और बोल रहे हो लड़कियों का मन करता है बातें करने का। संजू तुम बिल्कुल नहीं जानते मुझे, अब सो जाओ तुम, मुझे भी सोने दो। किसी महान इंसान ने बिल्कुल सही, लड़कियों को क्या पसंद है क्या नहीं आप नहीं समझ सकते हो। अपने को क्या, अपने को सोने से मतलब है। गुड नाइट। इतनी रात को कौन आया होगा? मम्मी जी आप यहाँ? पुत्र मैं तो इस घर में मेहमान हूँ, मेरा तो इस कमरे में आना बनता है, लेकिन तू तो यहाँ की बहू है, फिर तू इस गेस्ट रूम में क्या कर रही है? बोल। बताना दी। ताई जी बात यह है कि वो जीजू की लेट नाइट मीटिंग्स चलती रहती है ना,
इसलिए दी कभी कभी यहीं पे सो जाती है ताकि दी की नींद भी ना खराब हो और जीजू का काम भी डिस्टर्ब ना हो, है ना दी? सही बोल रही है। हाँ मम्मी जी, वो कई बार ना काफी रात तक राजीव काम करते रहते हैं तो मैं यहीं सो जाती हूँ। तू कहती है तो मान लेती हूँ। वैसे ना मैं बरनाला जाने से पहले सोच रही थी तुझसे अच्छे से बैठकर बातें करूं, तेरा हाल चाल पूछूं, इसीलिए आई थी तुझसे मिलने के लिए। तू तो बरनाला का रास्ता ही भूल गई है, तुझे तो माँ की याद ही नहीं आती है। मम्मी जी ऐसा नहीं है, आइए चल। अच्छा आजा। यहाँ आराम से बैठ कर ना रात भर गप्पे लड़ाएंगे। बैठ आराम से। ताई जी मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपने मुझे फुटपाथ या कचरे के डब्बे से उठाया, मैं भी बात करूंगी आप दोनों के साथ रात भर। अरे आजा आजा बैठ इधर, आराम से बैठ तू भी। ये तेरा सामान है ना पुत्र? ये तेरा सामान यहाँ क्या कर रहा पुत्र? तूने तो कहा कि तू कभी कभी इस कमरे में आती है सोने के लिए, फिर ये सामान ये तेरा ही है ना? हाँ परिणीत पुत्र, कहीं तेरे और राजीव के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना? सब ठीक है ना पुत्र? अरे बोल, तुझे अपना सामान यहाँ लाने की क्या जरूरत पड़ गई? देख पुत्र, अपनी माँ से अब कुछ मत छुपाना, सच सच बता, तेरे और राजीव के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है ना पुत्र? बोल। ताई जी क्या यार, आप तो दी के पीछे ही पड़ गए हो। सिंपल सी बात है, दी को कभी कभी यहाँ सोना पड़ जाता है। वो क्या है ना, दी को सुबह जल्दी उठना होता है, नहाना होता है, पूजा करनी होती है। अब दी अपने कमरे में जाके नहाएंगी तो जीजू बेचारे जो पूरी रात काम करते हैं उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी ना, और दी अगर सुबह लेट उठे तो बीजू ने डांटेंगी, वो अलग है ना दी? मैंने तेरे से पूछा? नहीं पूछा ना तेरे से, परिणीत से पूछ रही ना, उसको जवाब देने दे। बोल पुत्र, तेरे और राजीव के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना? सच बता मुझे अब। नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं है, बबली जो कह रही है सही कह रही है, और आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, सच्ची। पक्का? हाँ ठीक है फिर। वैसे एक गल दस मैनू, तू और राजीव खुशखबरी कब देने वाले हो हमें? वो ताई जी क्या यार, ये बड़े लोगों का क्या है, बच्चे बच्चे करते रहते हैं। 26 के होने की शादी कर लो, शादी को एक साल हो तो बच्चे कर लो, बच्चों के अलावा कुछ होता नहीं है क्या लाइफ में? अब हर मौके पे ना दी को सब लोग यही बोलते रहते हैं, बच्चे कर लो बच्चे कर लो। तू चुप रह, अगर बच्चे नहीं करते तो तेरी जैसी बड़बड़ करने वाली कहां से आती, हर बात में बीच में आ जाती हो, चुप नहीं रह सकती जरा भी। अरे बच्चे करने जरूरी होते हैं ना। अब तू नीति को देख ले, उसकी इसके बाद शादी हुई थी, माँ बनने वाली है। आप उनकी बहन जैसी है ना, तो फिर आप मासी बनने के लिए तैयार हो जाइए, नया मेहमान आने वाला है, नीति जी प्रेग्नेंट है। पुत्र की होया, कहाँ खो गई, क्यों परेशान हो? परेशान नहीं, नहीं मम्मी जी मैं परेशान नहीं हूँ। देख पुत्र, मैं ना कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूँ तेरे ऊपर, वो राजीव की बीजी है ना, उनका भी फोन आया था, वो भी यही बात कर रही थी कि राजीव और परिणीत अपना परिवार कब आगे बढ़ाने वाले, इसीलिए तेरे से पूछ रही हूँ, और कोई बात नहीं है। वैसे एक गल तेन मैं दस देनी, जब दूसरी बार मैं तेरे घर आऊंगी ना तो तेरा कोई बहाना नहीं मुझे चाहिए, बस खुशखबरी चाहिए। तू ऐसे मुंह मत बना मेरे। आई नो लड़कियों को सबसे ज्यादा शॉपिंग पसंद है, इसलिए अपना क्रेडिट कार्ड आज के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। सो स्वीट ऑफ यू।
जब तुम्हें पता था तो इतने ड्रामे क्यों कर रहे थे रात को? पर जो भी हो, यू आर द बेस्ट हस्बैंड एंड आई लव यू। अब कभी अपने हस्बैंड के प्यार पे डाउट मत करना। ऐसे कैसे नहीं करना? अभी तो तुम्हारे बहुत टेस्ट लेने मुझे पतिदेव, तभी तो पता चलेगा कि कितना प्यार करते हो तुम। पर पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, तुम ऑफिस जाते जाते ना मुझे शॉपिंग के लिए ड्रॉप कर दो। कहाँ जाने की जल्दी है यार, 5 मिनट रोमांस तो करने दो ना बेबी। जल्दी क्यों नहीं होगी? अब कहीं हस्बैंड का मूड बदल गया और उसने क्रेडिट कार्ड वापस ले लिया तो? नहीं, क्रेडिट कार्ड आज से तुम्हारा, मेरा मूड नहीं बदलेगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अभी तो दिया ये छोटी मोटी किस्से से मेरा काम नहीं चलेगा। तुम स्टोर में इतना बड़ा बिल बना के आओगे मेरे नाम का, सो प्लीज मुझे ना यहाँ के चाहिए। ये कोई बिजनेस डील नहीं चल रही है मिस्टर। बट प्यार भी तो एक डील ही होता है ना, गिव एंड टेक। और तुम्हारे प्यार के बदले में मैं तुम्हें हमारा चांद दे रही हूँ। बट ये तो हम दोनों का है ना, इसमें मुझे क्या मिलेगा बेबी? देखो ये नाटक मत। मुझे पीछे की आवाज आ रही है। लड़के के हाथ में क्रेडिट कार्ड दे दो ना तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, तो प्लीज तुम ना थोड़ा ओवरस्पेंड मत करना, मेरे पास एक ही जॉब है। अगर तुम नहीं बोलते ना तब भी मैं ओवरस्पेंड नहीं करती पतिदेव, और नहीं तो क्या, मेरे पास अपनी सेविंग्स है। तुम्हारी वाइफ ना कमाऊ वाइफ है, कोई हाउस वाइफ नहीं है वो, तो बस मैं तुम्हारा प्यार चेक कर रही थी। प्यार चेक कर रही थी? ये कौन सा प्यार है जो क्रेडिट कार्ड से पता चलता है, और जो प्यार क्रेडिट कार्ड के बिना होता है उसको क्या बोलोगे तुम? उसे सिर्फ फ्लर्ट बोलते हैं। फ्लर्ट बोलते हैं? बाय गॉड किसी ने सही कहा। वाइफ ना थोड़े दिनों के बाद टीचर बन जाती। यस मिस, ओके मिस, नो मिस। ये लो, 10 मिनट भी लेट हो जाना तो ऑफिस से फोन आने शुरू हो जाते हैं। हेलो, क्या किसने कहा? ठीक है मैं आके बॉस से बात करता हूँ। हाँ ओके बाय। क्या हो गया? अर्जेंट बैंगलोर जाना पड़ेगा। बैंगलोर क्यों? पता नहीं कोई प्रोजेक्ट या क्लाइंट मीटिंग होगी, जाके बॉस से डिस्कस करता हूँ। दिस इज नॉट फेयर यार संजू, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? छोड़ के? हाँ? तुम तो मुझे छोड़ के जा रही हो शॉपिंग करने। तो तुम चलो ना, तुम्हारा ही क्रेडिट कार्ड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। आई विश मैं तुम्हारी तरह फ्री होता। बड़े खराब हो तुम, प्रेग्नेंट हो इसलिए बोल रहे हो ना ये सब? तुम छोटी छोटी बात पे नाराज क्यों हो जाती हो? लो आ गया तुम्हारा स्टोर। और हाँ प्लीज बैंगलोर मत जाना, ठीक है? ठीक है मैं अपने बॉस को बोलता हूँ कि मेरी वाइफ ने मना किया बैंगलोर जाने से, वो तो कह रही छुट्टी लेके वेकेशन पे चले जाओ। देखो तुम ना एक्टिंग तो करो ही मत प्लीज, जो बोल रही हूँ वो करो ना, समझाओ ना उन्हें। अच्छा ठीक है समझा दूंगा, चलो। अच्छा बाय बाय किस तो दो। ये मार्केट है संजू, तुम बिना तो प्यार किया तो डरना क्या बेबी? प्यार किया तो डरना तो पड़ेगा ना बेबी। अरे नीति, बरनाला में भी बहुत ठंड होगी ना? हाँ जी बहन जी। एलीजी जी, शुक्रिया। गाजर का हलवा। बस बस। परी दे हाथ दा गाजर का हलवा बहुत स्वाद होता है जी, सर्दी शुरू होते मैंने कहा था बना दे वास्ते, अब बनाया। ताई जी बिचारी को टाइम ही कहाँ मिलता है, कभी कोई फंक्शन चल रहा होता है कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो देवरानी का ही साइड देगी ना, सास का साइड तो लेगी नहीं। परिणीत पुत्र, ये तेरे चाचा कहाँ चले गए? आ जाते तो हम टाइम पर घर वापस चले जाते ना। इन्नी भी क्या जल्दी है जी जाने की, थोड़ा इसके साथ चंडीगढ़ घुमाते। नहीं नहीं बहन जी, कार बहुत ज्यादा काम ने। हाँ हाँ आंटी जी, आप ना परी के साथ मार्केट जाइए, सेक्टर 29 की चाट खाइए, वहाँ ना एकदम बेस्ट चाट मिलती है। इवन वहाँ की चाट खाने के बाद मैं तो कोलकाता की चाट भी भूल गई हूँ। बिल्कुल। हाँ मम्मी जी रुक जाइए ना प्लीज। सही कह रही है, एक दिन और रुक जाइए, कल चले जाइएगा। प्लीज मम्मी जी। ठीक है बहन जी, तुसी सब लोग इतना बोल रहे हो तो रुक जाती है। ए हुई ना बात। ठीक है मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, फिर हम मार्केट चलते हैं। बस बस बस, अपने मम्मी के सामने हमारी बदनामी ना कर कि हम कुछ नहीं करते। इनके साथ आराम से जा, हम तैयारी कर लेंगे। हाँ हाँ भाई, वैसे भी इस घर में बेटियों से ज्यादा तो बहुओं की चलती है, है ना मामा? कुड़िये ज्यादा मत बोल। रजाई जी इसने गलत क्या कहा, सही तो कह रही है, इस कार में चंद्रिका और परी की तो चलती है।
दोनों बहुओं का ही राज है अब हमारे घर में। क्या प्रवचन सुना रही है गुरिंदर, जरा मेरा भी ज्ञान बढ़ा दे हैं? किसका राज चलता है भला इस घर में? क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही, बोल ना अब। मम्मी जी मैं तो बस इतना कह रही थी कि हमारे घर में बहुओं को ना बेटियों की तरह इज्जत मिलती है। बिल्कुल मिलती है और सही मिलती है, क्योंकि हमारी बहुएं बेटियों से ज्यादा काबिल है। ये बात ना तू फोन पे रिकॉर्ड कर ले मेरी, जैसे सुबह शाम तू गुरबानी सुनती है ना, उसके बाद ये बात सुना कर, समझी मेरी बात? गई कोप भवन में। तू क्यों खड़ी है, अब तुझे कोई प्रवचन सुनाऊं तब जाएगी? जा जाके काम कर अपना। आधा पेट तो खुशबू से ही भर गया। बहुत स्वाद है। हो गई भाई, तूने बनाया है ना? जी। नहीं भैया, कोई और डिजाइन दिखाओ, कुछ पसंद नहीं आ रहा मुझे आज आपकी शॉप में। ये बंदा तो बड़ा फेमिलियर लग रहा है। होगा कोई, मैं तो अपनी शॉपिंग करती हूँ। नहीं यार, वो कौन सा होता है वो दुपट्टा, फुलकारी? फुलकारी, हाँ। फुलकारी में कुछ दिखाओ, अच्छे कलर्स। यस, ये लीजिए। अरे नहीं यार, ब्राइट कलर्स, ब्राइट। राजीव की आवाज है। ये राजीव फुलकारी दुपट्टा किसके लिए देख रहा है? ओ समझी, परी के लिए देख रहा होगा, और किसके लिए देखेगा? मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, कल रात को किसी लड़की के साथ देख के पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। मन कह भी रहा था कि वो लड़की इसकी दोस्त होगी। एनीवे, कल तो गुस्सा करके निकल गया, बट आज पछतावा हो रहा होगा इसे, इसीलिए परी के लिए शॉपिंग करने आया है। हाउ स्वीट। संजू को बताती हूँ, उसने तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड दिया है शॉपिंग करने के लिए, उसमें इतना स्टाइल मार रहा है, और यहाँ एक बंदा अपनी बीवी के लिए खुद शॉपिंग कर रहा है। हाय मैडम, ये देख लीजिए। परफेक्ट। ओह मैन, नो नीति, अब ये फिर से पकाएगी मुझे। जस्ट अपना देखो दुपट्टा, जो भी पसंद आता है। सो ये जस्ट फाइनलाइज व्हाटएवर यू लाइक, आई विल सी यू देयर। इसको क्या हो गया? कहाँ गायब हो गया एक मिनट में राजीव? ये दुपट्टा तो अभी राजीव देख रहा था परी के लिए, फिर ये लड़की, इसको बोलती हो तो कुछ और ही देख ले। अरे यार, लोग भी ना, ये लड़की कहाँ गई? भैया अभी जो लड़की फुलकारी वाला दुपट्टा देख रही थी यहाँ खड़ी होके, वो कहाँ है? मैम उधर वो साइड में गई। थैंक यू। आज हो क्या रहा है? राजीव यहाँ शेरवानी ट्राई कर रहा है, लेकिन क्यों? राजीव से ही पूछती हूँ। अब ये भिजवा देना मेरे घर पे, पेमेंट तो हो ही गई है। एड्रेस आपके पास है? हाँ, बिल्कुल। शॉपिंग कहीं और से भी करेंगे ना, यहीं से थोड़ी करेंगे सब कुछ। हाँ। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अरे भाई साहब। हाँ जी। ये जो शेरवानी देख रहे थे अभी, वो किस तरफ गए? वो तो नीचे की तरफ गए। अच्छा, पर वो शेरवानी क्यों देख रहे थे? कोई फंक्शन है क्या उनके घर में? उनकी शादी है ना, वो कह रहे थे। जी क्या कहा आपने? उनकी शादी है, वो कह रहे थे। उनकी शादी है? हाँ आज ही है।